तो किसानों के मुद्दे पर की बात होगी, क्योंकि किसानों और सरकार के बीच अब एक और मुद्दा गरमाने लगा है। हरियाणा के डिप्टी स्पीकर रणवीर गंगवा की गाड़ी पर हुए हमले के मामले में दो नामजद समेत 100 किसानों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। साथ ही डिप्टी स्पीकर ने किसानों को लेकर बड़ी बात कही है। देखिए, आंदोलन कर रहे किसानों की तरफ से हरियाणा में जनप्रतिनिधियों का विरोध लगातार जारी है। 11 जुलाई को हरियाणा के डिप्टी स्पीकर रणवीर गंगवा की गाड़ी पर हुए हमले का मुद्दा अब तूल पकड़ता जा रहा है। सरकार इस मसले को गंभीरता से ले रही है और यही वजह है कि 100 किसानों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया, तो वहीं दो नामजद किसानों पर भी केस दर्ज किया गया, जिसके बाद किसानों के बयान भी सामने आने लगे। किसान नेता प्रहलाद सिंह भारूखेड़ा का कहना है कि सरकार किसानों के आवाज को दबाना चाहती है। हम प्रोटेस्ट कर रहे थे काले झंडे दिखाने का, कि संयुक्त मोर्चे का आह्वान है कि जेजेपी बीजेपी के जो इन काले कानूनों का समर्थन करने वाले किसी भी पार्टी के नेता है, विधायक है, मंत्री है, उन सबको हम काले झंडे दिखाएंगे और उनका पूरे हरियाणा प्रदेश में नहीं पूरे देश के अंदर इनका बहिष्कार किया जा चुका है, इनका हुक्का पानी बंद कर दिया गया है। उसके बावजूद यहाँ पे आए तो हम काले झंडे दिखाने को लेकर सुबह से लेकर शाम तक यूनिवर्सिटी के गेट के आगे बैठे हैं और बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से बैठे हैं, और जैसे वो बाहर निकल रहे हैं तो अब हम काले झंडे दिखाने को लेके वहाँ पर बैठे होते हैं, तो पुलिस एकदम अचानक पूरा काफिले के साथ आते हैं रणवीर गंगवा का, और वो यहाँ पर बैठे किसानों को उठाने लग जाते हैं, खींच के लेके जाते हैं और लाठी डंडे बरसाना शुरू कर देते हैं। तो ये एक षड्यंत्र करके, एक प्लानिंग करके इस तरीके की जो है वो हरकत की गई सरकार की तरफ से। कुछ लोगों ने उनका गाड़ी के ऊपर पत्थर फेंके, लेकिन वो हमारे किसान साथी नहीं थे जिन्होंने पत्थर फेंके हैं। वहीं डिप्टी स्पीकर रणवीर गंगवा भी इस हमले को लेकर किसानों से खफा नजर आए। उन्होंने उनकी गाड़ी पर हमला करने वालों को नशेड़ी तक कह दिया। नहीं देखिए, आप उनको कोई किसान नहीं कह सकते, किसान नहीं थे। मैं ये कह सकता हूँ कि वो कुछ नशेड़ी टाइप के लोग थे, उसके अंदर कुछ दो चार और कोई गांव से आ सकते हैं, लेकिन जो ज़्यादातर जो लोग थे वो जो नशा करने वाले हैं, जिससे जिनकी शिकल से लगता है, तो उस टाइप के लोग थे। हरियाणा के विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने भी इस घटना की निंदा की। रणवीर गंगवा जी के ऊपर जो हमला हुआ है, भगवान का शुक्र है कि वो आज सेफ है, कुछ भी हो सकता था। और इसके लिए मैं समझता हूँ कि जो अधिकारी वहाँ पर थे, जिन लोगों की ड्यूटी थी प्रोटेक्शन की, वो जिम्मेदार हैं। और लेकिन जो आंदोलनकारी, अपने आप को आंदोलनकारी कहते हैं, कोई भी आंदोलन, लोकतंत्र के अंदर हम आंदोलन कर सकते हैं, लेकिन आंदोलन की एक सीमा होती है, एक तरीका होता है। ये आंदोलन, इसको हम आंदोलन नहीं कह सकते, ये उग्रता है। जहां एक तरफ डिप्टी स्पीकर ने इस घटना की निंदा की, तो वहीं किसानों ने इसे सरकार का षड्यंत्र बताया। किसान नेता लगातार आंदोलन को शांति से करने की बात कर रहे हैं। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि कहीं किसानों का ये प्रदर्शन नेतृत्वहीन तो नहीं होता जा रहा। सिरसा से नकुल जसूजा और चंडीगढ़ चैनल 9 खबरें अभी तक।